हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अच्छे ही नहीं, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ, आज मैं आपसे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने के लिए आई हूँ, जिससे कि मेरे पास ब्लॉग शूट किया हुआ था, बट मैं सोची कि पहले ये डालती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपको टोटली बात एंड से स्टार्टिंग से एंड तक मैं आपको बताऊँगी जो चीज़ मेरे साथ हुआ, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ऐसा कोई हो जो मेरे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, आई होप सो कि कब कोई कर पाए, तो प्लीज़ मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व ज़रूर करिए और वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो कुछ लोग तो आते हैं, वीडियो देखते नहीं, कमेंट करके चले जाते हैं, तो अगर ऐसे लोग ये उम्मीद भी रखेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। सो प्लीज़ गाइस, वीडियोस को फुल वॉच कीजिएगा। चलिए वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप सब के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल में हो रहा है बहुत बड़ा प्रॉब्लम। मैंने यूट्यूब को मेल भी किया है बट कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग को अच्छे से पता है मोनेटाइजेशन के लिए 4000 घंटा चाहिए, जो कि 4000 मेरा एक साल कंप्लीट हो चुका है। 19 मई को मेरा एक साल कंप्लीट हो गया था, तो मुझे लगा था कि मुझे इतना पता था पहले से कि एक साल कंप्लीट होने के बाद वॉच टाइम कटता है अगर चैनल मोनेटाइजेशन एक साल के अंदर में नहीं हुआ तो मुझे भी यही लग रहा था कि हाँ ऐसा होगा, बट ये नहीं पता था कि मेरा वीक में 2-3 बार ऐसा कटेगा, ये मैंने नहीं सोचा था। 4000 घंटे मेरे कंप्लीट होने 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 वाले रहते हैं और फिर मैं बैक कर जाती हूँ, मतलब कि 4000 घंटा मेरा कंप्लीट होने वाला रहता है और फिर मेरा वॉच टाइम काट लिया जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यूट्यूब से ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। अगर आप में से किसी को ये बात पता है तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे बताइए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है अंतरा सिंह रायजादा। मेरा बहुत दिन पहले एक साल तक तो मेरा आधा हुआ था, एक साल तक 19 मई तक मेरा आधा हुआ था, उसके बाद अभी मेरे चैनल्स पे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, वॉच टाइम मुझे काफ़ी अच्छे मिल रहा है। बट सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है ना कि मेरा वॉच टाइम कट जा रहा है। अगर ऐसी वॉच टाइम करते रहेगा तो मैं कितने साल में मोनेटाइजेशन चैनल होगा, फिर तो यूट्यूब चैनल को बंद कर देगा ना। मैं भले ही आप लोगों के सामने स्माइल करी क्योंकि मुझे उतना रोने धोने नहीं आता है कि मैं दूसरों के सामने रोते धोते रहूँ, बट लिटरली मैं आपको बताऊँ कि मैं इस चीज़ से बहुत टेंशन में हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग शूट की हुई थी, मैंने कहा ब्लॉग पब्लिश करने से अच्छा है कि मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि जो लोग जानते हैं कोई भी प्रॉब्लम है सॉल्व करते हैं जो भी, तो वो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि मैं क्या करूँ। मैं यूट्यूब वाले को मेल भी कर चुकी हूँ फिर भी कोई रिस्पॉन्ड मुझे नहीं आ रहा है, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ऐसे ही होते रहेगा तो चैनल मेरा मोनेटाइजेशन कब होगा? 4000 घंटे होता है कि 1 वीक तक मेरा 4000 घंटा हो जाएगा, कभी ऐसा होता है कि 3 दिन में मेरा 4000 घंटा हो जाएगा और फिर मैं बैक आ जाती हूँ, तो आप सोच सकते हैं कितनी टेंशन वाली बात होती है। पिछले 2 ढाई महीने से मतलब 19 मई के बाद मेरे जस्ट वॉच टाइम कटने लगा। मैंने सुना था कि हाँ चलो ठीक है, जिस वीडियो पे ज़्यादा जिस मंथ में आएगा उस वीडियो पे कटेगा, बट पहले मुझे पता ही नहीं था कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे डालने हैं, तो पहले मुझे व्यूज़ भी उतने नहीं आते थे। पहले जब एक साल पहले जब मैंने जब शुरुआत किया था चैनल का, तो मुझे उतने व्यूज़ भी नहीं आते थे क्योंकि मुझे पता नहीं था कैसे वीडियोस डालते, कैसे टैग्स डालते, कैसे थंबनेल डालते, कैसे वीडियो एडिट करते, मुझे कुछ भी नहीं पता था फ्रेंड्स। बट मैं धीरे 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 मुझे पता चला तब तक कि मेरा चैनल एक साल होने वाला था, लाइक 8-9 मंथ मेरा चैनल ओपन करने के बाद मुझे पता चला कि एग्जैक्टली यूट्यूब पे काम कैसे करना है। तो ये चीज़ मेरा बहुत लेट हो गया क्योंकि नहीं मेरे रिलेशन सर्कल में, नहीं मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई यूट्यूब पे काम नहीं करता था, इस वजह से मेरे पास कोई ऐसा नहीं था ऑप्शन कि मैं जिससे हेल्प मांग सकूँ, जिससे कुछ पूछ सकूँ। आई होप कि आप लोग ये मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। सो प्लीज़ गाइज, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अब प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि किसी अच्छे इंसान के पास पहुँच जाए, ऐसे इंसान के पास मेरी वीडियो पहुँच जाए जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई हो। तो मैं सोची कि चलो आप लोग के साथ ये शेयर करना बहुत ज़रूरी, बहुत मन अंदर से इतना दुखी हो जाता है ना, क्योंकि
एक तो ब्लॉग शूट करना वेरी डिफिकल्ट, हर जगह कैमरा स्टैंड करना, एडिटिंग के टाइम पर 2-3 घंटा प्रॉपर लगना, क्योंकि वीडियो कट 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 करके डालना पड़ता है। अगर हम जितना शूट करते हैं हम डाल देंगे तो सर लगता है कि दिन भर का 3-4 घंटे का हो जाएगा। 4 घंटे 5 घंटे का वीडियो शूट किया हुआ, उसको 10 घंटे 10 मिनट, सॉरी 10 घंटे नहीं, 10 मिनट 12 मिनट में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके बाद अपलोडिंग सेक्शन, इतना सारा प्रोसेस है, फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि कुछ मेहनत है, करने का जज्बा है। तो प्लीज़ गाइज, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और मैं ऐसे तो डेली वीडियोस नहीं ला सकती, मुझे बस ये बात शेयर करनी थी, आप सब तक पहुंचाना था मुझे ये बात, इस वजह से मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। अगर किसी को कुछ पता है इस बारे में तो मुझे ज़रूर बताइए। इतना मुझे भी पता था पहले कि 1 साल कंप्लीट होने के बाद वास्ट टाइम कटता है, बट ये नहीं पता था कि मेरा ऐसे वीकली कटेगा, हफ्ता में 2 बार मेरा कट ही जाता है। तो बताइए, मैं 4,000 घंटा क्रॉस करते करते मैं फिर से बैक आ जाती हूँ। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा टेंशन है मुझे इस बात की। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, बस यही सब मुझे आपको बताना था। और जो भी मेरे न्यू चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम आईडी मैंने बता दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंस्टाग्राम आईडी अपना दे दूंगी। जिन लोगों को अगर कुछ भी पता हो ना तो वो प्लीज़ मुझे बताएं और प्लीज़ मुझे शेयर करें गाइस। प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि मेरी हेल्प हो पाए, प्लीज़। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट टाइम अच्छा सा ब्लॉग लेके आऊँगी। ये जो मैंने आज का ब्लॉग शूट किया वो मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे पुराने ब्लॉग्स डालना अच्छा नहीं लगता है, आप सबके साथ अपडेट रहना अच्छा लगता है। और आप ये ब्लॉग कल देखिएगा, तो कल है 4th सोमवार, तो आप तो मॉर्निंग में ये ब्लॉग देखिएगा। आई होप कि आप सब भी सोमवार कर रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड प्लीज सपोर्ट मी, आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। जी, मिलते हैं नेक्स्ट में, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।